इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आइए समझते हैं, यह है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स पर एटम्स हैं। सभी कॉर्नर्स पर कितने एटम्स हैं? टोटल 8 एटम है, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में। और इसकी डायमेंशन है ये, अगर इस क्यूब को हम किसी एक साइड से देखें तब ये ऐसा दिखेगा। और ये क्या है? एटम्स के पार्ट हैं। एक एटम ये रहा, दूसरा ये रहा, ये वाले एटम, तीसरा ये रहा, फोर्थ ये रहा। अब देखेंगे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ए। क्यूब की डिस्टेंस कितनी है, ये ए है। जबकि यहाँ पर ये दो एटम्स पास पास में कॉन्टैक्ट में हैं, तब यहाँ पर पहले की रेडियस ये आर, दूसरे की रेडियस ये आर, कितनी हो जाएगी टोटल, ये 2r। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2r, ये आर इक्वल्स टू ए बाई टू, जहाँ पर ए कहलाता है लैटिस कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये क्यूब की डायमेंशन है ए, जिसको बोलते हैं ए वेक्टर। और ये एटम की रेडियस है आर, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बाई टू, जहाँ पर ए कहलाता है लैटिस कॉन्स्टेंट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली ये एक ऐसा नंबर होता है, एक एटम के पास में, किसी भी एक एटम के पास में जितने भी सेम डिस्टेंस पर एटम होते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। और सिंपल क्यूबिक के लिए ये 6 होता है। चेक कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं इस एटम के लिए, तो देखेंगे इसके पास में एक एटम ये, दूसरा ये, 3, 4, 1, 5। इसी तरीके से जिस तरीके से क्यूब हैं, इनके ऊपर भी क्यूब होंगे, इसलिए एक ऊपर आएगा, कितने हो जाएंगे 6। एक बार रिपीट करूंगा, देखो ये एटम है, इसके पास वाले नियर एटम्स को चेक कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक जिस तरीके से ये अंदर है उसी तरीके से ऊपर होगा, जैसे कि आप अंदर वाले को गिनेंगे तो ये उसके ऊपर आ रहा। तो कुल मिलाकर एक एटम के पास में किसी भी क्यूब में टोटल 6 एटम होते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे हमको निकालना है वॉल्यूम। तो अगर बात करते हैं लैटिस सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर ये भी ए, ये तो ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो सिंपल क्यूबिक सेल का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, ए क्यूब। अब हम जानते हैं ए बराबर कितना होता है, ये 2r। अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8r क्यूब, यानी कि किसी भी रेडियस की फॉर्म में, एटम की रेडियस की फॉर्म में सिंपल क्यूबिक की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम कितना होता है, 8r क्यूब, जहां पर r है रेडियस ऑफ द एटम। अब निकालना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो देखेंगे अगर बात करते हैं किसी भी एक सेल के अंदर कितने एटम होते हैं टोटल, तो काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि एक सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 8 एटम हो गए। लेकिन चेक करते हैं कि एक एटम कितने क्यूब से शेयर करता है, तो ऑलवेज रिमेम्बर 8 क्यूब से शेयर करता है। चेक कर लेते हैं, इस एटम को चेक करते हैं, देखो ये इस क्यूब से शेयर कर रहा है, इस क्यूब से शेयर कर रहा है, इस क्यूब से भी शेयर कर रहा है, और इस क्यूब से, जिस तरीके से 4 यहाँ पर शेयर कर रहा है, 4 ही इसके ऊपर आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके 4 ऊपर हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर 4 नीचे आ गए ये, उसी तरीके से 4 ऊपर आएंगे, तब ये शेयरिंग कंप्लीट होगी। तो कोई भी एक एटम किसी को भी चेक कर सकते हैं आप, देख करके आराम से पॉज करो वीडियो को और चेक करो, तो कोई भी एक एटम 8 क्यूब को शेयर करता है। और एक में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हमने लिखा एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 8 एटम। और एक एटम कितने क्यूबिक सेल को शेयर करता है, 1/8, तब आ जाता है 1। यानी कि कोई भी सिंपल क्यूबिक सेल, इसके अंदर वैसे टोटली 8 एटम होते हैं, लेकिन ये सभी एटम 1/8 शेयर करते हैं, दैट मीन्स किसी भी क्यूबिक सेल में एक एटम आता है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1, यानी कि एक सिंपल क्यूबिक सेल में एक ही एटम आता है। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एटम पर यूनिट सेल। तो हमको ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एटम पर यूनिट सेल, किसी भी एटम का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है, 1, और एक का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। किसी भी सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल एटम्स कितने आए थे, 1 आया था, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। और r की वैल्यू हम जानते हैं एक ही टर्म्स में कितनी होती है, a/2। यहाँ पर पुट कर गया, कितना आ गया, π/6 a³, जहाँ पर a³ है लैटिस कॉन्स्टेंट। अब हमको निकालना है पैकिंग फैक्टर, एक यूनिट सेल का या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फैक्टर। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 1³।
ए क्यूब, जबकि वॉल्यूम ऑफ एटम हम निकाल चुके हैं, ये रहा वी ए पाई बाई सिक्स इंटू ए क्यूब। तो ये तो है वॉल्यूम ऑफ द एटम, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है ए क्यूब, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एटम और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तब ये आ जाएगा पाई बाई सिक्स, दैट मीन 0.52। इसका मतलब यह है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है, 52%, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम सिंपली किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। आपको याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई भी एटम जिसके पास पास जो एटम होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सेम डिस्टेंस पर आप चेक कर सकते हैं, 6 होंगे। उसके बाद में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, टोटल 8, और एक एटम कितने को शेयर करता है, तो 8 को करेगा। आप एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो 4 इनको कर रहा है और 4 इसके ऊपर आएंगे जैसा कि इसके ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फैक्टर होता है वो होता है 52%। थैंक यू।